नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन किया था। 1857 की क्रांति जो थी वो एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन 19वीं सदी में ही धार्मिक क्रांति और धार्मिक सुधार आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से 19वीं सदी में दो क्रांतियां चल रही थीं, धर्म सुधार आंदोलन जिसे नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नवजागरण काल का मतलब है कि अतीत में जो अच्छाइयाँ थी उन्हें लेकर के भविष्य के आधुनिकीकरण में सुधारात्मक रूप से परिवर्तन करना, उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो दो मिनट हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि धार्मिक सुधार आंदोलन, ये नया सुधार आंदोलन नहीं है, बल्कि बुद्ध के समय से ही धार्मिक सुधार आंदोलन जारी रहा। वो चाहे आपके धार्मिक ग्रंथों में भी मिलते हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में भी लोगों ने सुधार का कार्य किया था। उस समय भी बहुत से महापुरुष जन्मे थे जो धर्मों में क्रूरतियां थी उन्हें दूर करने का कार्य करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक दूर किया भी। लेकिन क्या कारण है कि धर्म में जो कुरीतियाँ हजारों हजारों साल से चली आ रही हैं उसको मनुष्य अपने सर पे ढोता रहा है, इसका क्या रीजंस है, इसको जरा हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग मनन करें, ऐसी क्या बात है कि धर्म के नाम पे धंधा चलता है, धर्म के नाम पे धोखा होता है, धर्म के नाम पे लोगों को लूटा जाता है, लेकिन लोग उसको गले लगाए हुए हैं, ऐसी क्या बात है। प्यारे बच्चों, आधुनिकीकरण में, इस आधुनिक समाज में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर लिया है, लेकिन आज भी समाज रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, छुआछूत, पाखंडवाद, धर्मांध चीज़ों के चक्कर में आज भी फंसा हुआ है। 21वीं सदी जो कि विज्ञान की सदी है, फिर भी लोग धर्म के बंधन से, धर्म के आडंबर से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि धर्म के लोग मानने वाले जो हैं, सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों में कुछ न कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हो जाती हैं, उसका सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, उसे हमें अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग 19वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऐतिहासिक क्रांति के साथ धार्मिक क्रांति भी चल रही थी। उस क्रांति में छुआछूत, आडंबर और मानो के साथ भेद सती पर था, जौहर पर था, नर बलि, पशु बलि, बाल विवाह, जादू टोना, छुआछूत, आडंबर से भरा हुआ समाज था। ऐसे समाज को सुधारने के लिए बहुत से मनीषियों ने 19वीं और 18वीं शताब्दी में जन्म लिया, जिस प्रकार से हम उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ जो आंदोलन हुए उनके नाम इस प्रकार जानते हैं कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, बहावी आंदोलन, थियोसोफिकल सोसाइटी आंदोलन और बहुत से, जैसे ज्योतिराव फूले ने भी आंदोलन चलाया था, दक्षिण भारत में चोखा मेला, बस मन्ना आदि लोगों ने धर्म में जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आप लोग देख रहे होंगे धार्मिक कथा समाज सुधार आंदोलन
रिलीजियंस एंड सोशल रिफॉर्म मोमेंट्स, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन। 20 अगस्त 1928 को राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज के द्वारा राजा राम मोहन ने समाज में जो बुराइयां थी उसे दूर करने का पुरजोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में एक ऐसी प्रथा थी जिसको अगर आँखों से देख लिया जाए तो रूह रूह कांप जाता है। उस प्रथा का नाम था सती प्रथा, अर्थात जब योद्धा लोग रण क्षेत्र में मारे जाते थे तो उनकी रानियां जो थी उनके चिता के साथ जिंदा जलने का काम करती थी। ऐसी कुप्रथाएं थी हमारे हिंदू धर्म में। तो इस प्रथा को उन्होंने पुरजोर विरोध किया और सती प्रथा का अंत किया, इसलिए इन्हें आधुनिक युग का नायक भी कहा जाता है इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से सती प्रथा का अंत, छुआछूत का पुरजोर विरोध, बाल विवाह का पुरजोर विरोध, पुनर्विवाह का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन, गरीबों, दलितों, अछूतों, मजलूमों के हक के लिए आवाज़ बुलंद किया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है धर्म में जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने का काम किया। और इनके कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक एक लोगों के सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लास्ट में सभी का एनालिसिस करेंगे और आज के युग में क्यों इतनी बुराइयां हैं, लोग पढ़ लिख करके जो है उन अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, आडंबर, मानव-मानव में भेद को समझते हैं, उसको दूर नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा का क्या मतलब, नैतिकता का क्या मतलब, आधुनिकीकरण का क्या मतलब निकलता है, इसको बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन आज हम पहले इस ब्रह्म समाज के बारे में जो इनके सिद्धांत हैं उसको पढ़ने का काम करेंगे। सारे बच्चों, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, ब्रह्म है ये पहला है इनके सिद्धांत में। ब्रह्म समाज के जो कार्य हैं, ब्रह्म सर्विस ऑफ ब्रह्म कार्य, तो शिक्षा संबंधी कार्य। ब्रह्म समाज में सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जड़ता का नाश होता है। इस प्रकार से इस ब्रह्म समाज के कार्य में सबको शिक्षा, शिक्षित करना, महिला पुरुषों को सबको शिक्षा देना, ये शिक्षा का पुरजोर जो इन्होंने समर्थन किया। और पाश्चात्य शिक्षा को भारतीय आधुनिकीकरण के रूप में ग्रहण किया जाए, इन्होंने अंग्रेजी का भी समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया और सब लोगों के शिक्षा के लिए भी समर्थन किया। दूसरी है सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार आंदोलन। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयाँ, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और छुआछूत, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ अन्याय, इन सभी का पुरजोर विरोध करते हुए इन्होंने समाज में समरसता, भाईचारा करने के लिए अपना पूरा समय दिया। फिर अगला है विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी। मतलब इन्होंने कहा कि सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए और इस आज़ादी को हमें दूर दूर तक फैलाना चाहिए, इसलिए इन्होंने प्रेस और छापाखाना अर्थात प्रेस मीडिया का भी बहुत ज़्यादा समर्थन किया ताकि लोगों की बातें दूर दूर तक जाएं। उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज, इसका क्या मतलब है, इसके क्या सिद्धांत थे, एक एक हम लोग करके देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा होगा। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, अर्थात गॉड, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी है। ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान रहता है और वह निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईश्वर हर जगह सब में व्याप्त है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। तो इस प्रकार सर्वव्यापी उस गॉड का इन्होंने, ये इनके सिद्धांत है। दूसरा है ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। हिंदू धर्म में और भी धर्मों में, कुछ धर्मों में कुछ ही विशेष लोगों को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने कहा कि ईश्वर की पूजा करने का अधिकार हर प्राणी को है और वह ईश्वर की पूजा अपनी आत्मा की शुद्धता
से अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी शुद्ध आत्मा से जो है उसको अगर करता है तो उसे जरूर ईश्वर फल देता है, अर्थात ईश्वर उसे जरूर चाहता है, प्रेम करता है। अगला है आत्मा अजर, और इन्होंने बताया कि आत्मा अजर और अमर है, और वह जो है आत्मा अजर अमर तथा वह नाशवान, और हमारी जो शरीर है अर्थात उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है लेकिन हमारी जो शरीर है ये नाशवान है। जैसे कपड़ा होता है शरीर पे, कुछ दिन तक पहनी उसके बाद कपड़ा फट जाता है, शरीर से हट जाता है। इस प्रकार से हमारी आत्मा जो है वह हमारी बॉडी है और शरीर जो है हमारा कपड़ा है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है तथा शरीर नाशवान है। फिर इन्होंने कहा ईश्वर के प्रति हमें पितृ के भाव अर्थात जैसे पिता पुत्र का लगाव होता है, प्रेम होता है, उस प्रकार से हमें ईश्वर को पूजना चाहिए, पिता के समान पूजा करना चाहिए। और भावना मनुष्य सारे मनुष्य जातियों में भ्रातृत्व मतलब सारे मनुष्य जातियों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखना चाहिए, यही परम धर्म है। मतलब हर एक प्राणी के लिए हमें प्रेम रखना चाहिए, मानवता रखना चाहिए, यही परम धर्म है। दूसरा बताया कि मनुष्यों को अंधविश्वास एवं कट्टरता को मनुष्यों को अंधविश्वास एवं कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों का स्वीकार करना चाहिए, अर्थात हमें जो है कट्टरता नहीं रखना चाहिए, अंधभक्ति की कट्टरता नहीं रखनी चाहिए। हमें मानवतावादी सार्वभौमिक पूरे संसार के कल्याण के लिए जो है कार्य करना चाहिए। ऐसे सिद्धांत को जो है ब्रह्म समाज में दर्शाया गया है, माना गया है। फिर अगला है ब्रह्म समाज प्रेम एवं सत्य में विश्वास करता है, मतलब ब्रह्म समाज जो है वो प्रेम और सत्य में विश्वास करता है, जातिवाद तथा छुआछूत का घोर विरोधी है। अगला उसने उसके सिद्धांत में जो है अगला है ईश्वर कर्म के आधार पर फल देता है। इस प्रकार इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को जीने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, और यहाँ लास्ट में कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है प्रकृति वैसे गार्ड से वैसे ही फल देता है। अब यहीं पर हम आज इस क्लास को एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में दूसरे समाज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।